माननीय प्रधानमंत्री, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, भारत का नागरिक होते मुझे गर्व की भावना है कि सामान्य घर में से आके आप भ्रष्ट ताकतों के सामने चुनौती दे रहे हो और इसी चुनौती के साथ डर के मारे एक महागठबंधन हो रहा है। 2019 में भारत के 125 करोड़ देशवासियों कांग्रेस मुक्त भारत का इंतजार कर रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने सही कहा कि आप एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी आपने। मुझे लगता है कि मैं इसलिए छेड़ पाया हूं क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूं। मैं भी अगर बड़े घराने से आया होता, मैं भी वो बड़े बड़े बैगेज लेकर के आया होता, तो मुझे भी डर रहता कि कल मेरी किताब खुल जाएगी तो क्या होगा। हमें तो वो डर ही नहीं था, खुली किताब जैसी जिंदगी रही है। 13-14 साल बीच आपके बीच में काम किया है, विरोधियों ने भी कभी उंगली नहीं उठाई। वही ताकत थी जिसके कारण डर नहीं लगा कभी, क्या होगा? अरे जो होगा तो होगा यार, होता क्या। दूसरा, मैं ये विश्वास से मानता हूं, ये मेरा कन्विक्शन है, हमारे देश की समस्याओं की जड़ में ये भ्रष्टाचार दीमक की तरह घुस गया है, सारी व्यवस्था को तबाह कर दिया है। कहीं से तो शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। मैं भी ये कैसे कर, भाई इतना फैल गया है, कौन कर सकता है, छोड़ो यार, सारी सरकारें आई चली गई, कम से कम हम नहीं करेंगे, ये कह करके मैं भी छोड़ सकता था। लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया। और ये ऊपर ठीक हो जाएगा ना तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमा भम होने वाला है। और इसलिए, और आपने देखा जिस चार पीढ़ी उनको नाम लेते ही देश कांपता था, उनकी ताकत ऐसी थी देश को 18 महीने तक जेल खाना बना दिया था, ये ताकत थी उनकी, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि चार पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। और आपको पता है ना, आपको पता है ना, वे जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा।
देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पहले भी इस देश से बेईमानी करके रुपये मार करके देश छोड़कर लोग भागे हैं कि नहीं भागे हैं? सैकड़ों की तादाद में भागे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या करे, वो भाग गया। हमने कानून बनाए, जो भागा है उसकी पाई पाई जब्त करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब्त करेंगे। और इसके कारण ये भागे हुए भी रास्ता खोज रहे हैं। लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है। अगर 125 करोड़ देशवासियों का उज्जवल भविष्य, देश के नौजवानों का उज्जवल भविष्य यही दिल में भरा पड़ा है तो ये निर्णय भी अपने आप होने लग जाते हैं जी। जहां तक आगामी चुनाव का सवाल है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ईश्वर देखिए, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती हैं। और ये किसी के पढ़े लिख करके आए हुए लोग नहीं हैं, किसी के पढ़े पढ़ाए लोग नहीं हैं, अपने आप आवाज दे रहे हैं। क्या होगा? हमारे सामने चुनौती और है। एक दल के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस हार जाए इतने से काम बनने वाला नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है, पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो गलत चीजें देश के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में घुसेड़ दिए हैं, देश को उससे मुक्ति दिलानी है। परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, मेरा तेरा, ये जो बीमारियां घुस गई है, देश को उससे बाहर निकालना ही पड़ेगा। और इसलिए हम मंत्र लेकर के चले हैं, सबका साथ सबका विकास।